सभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ करेले और प्याज की सूखी सब्जी, जिसे आप लंच बॉक्स में भी लेके जा सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। दाल चावल के साथ और रोटी पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही सिंपल तरीके से घर के सामानों से आप इसे बना सकते हैं। इसे हमने किस तरह से बनाया है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करेले की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम करेले, जिसको कि हमने देखिए पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया और इसके सारे बीज हमने निकाल लिया है। अगर आपको बीज पसंद है तो आप इसमें बीज छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से बीज को निकाल लिया। और अब हम इसमें नमक डालेंगे ताकि जो करेले का कड़वापन है वो दूर हो जाए। तो मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच नमक डाल दिया और इसे हम हाथों से पूरे इस तरह से मिक्स कर लेंगे कि सारे करेले में नमक मिक्स हो जाए। तो इस तरह से देखिए हमने नमक को करेले में अच्छे से मसल दिया है और अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि जो करेले में है नमक वो पानी छोड़। तो यहाँ देख सकते आधे घंटे हो गए हैं और करेले ने पानी छोड़ दिया है जो नमक हमने डाला था। तो अब हम क्या करेंगे कि हाथों से दबा करके करेले को मुट्ठी भर और इसका पानी है वो निचोड़ लेंगे। देख सकते हैं कितना पानी निकल रहा है करेले से। तो इसी तरह से हमें प्रोसेस करना है। यहाँ देख सकते हैं कि सारे करेले में से हमने पानी निकाल लिया है और अब हमने एक बड़ा सा बाउल लिया है, उसमें हमने पानी रखा है और सारे करेले को हम अच्छे से 3 से 4 पानी से धो लेंगे। तो करेले को हमने 3 से 4 साफ पानी से धो लिया है और इसे हमने एक प्लेट में निकाल भी लिया है। सारे पानी को हमने करेले से छान लिया है। तो यहाँ पर हमने देखिए 1/2 kg प्याज भी काट लिया था। जितने हमने करेले यूज किया है वही हिसाब से हमने प्याज भी लिया है ताकि प्याज और करेले आधे आधे लगे। आप प्याज की मात्रा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। गैस ऑन करके हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल। तेल थोड़ा ज्यादा ही पड़ता है क्योंकि हम करेले को फ्राई करेंगे, तो तेल हम परफेक्ट गर्म होना चाहिए क्योंकि ये सरसों का तेल है और सरसों के तेल में स्मेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए हमें तेज आंच पर गर्म करना है। तो तेल हमारे परफेक्ट गर्म हो गए हैं। अब हम इसमें सारे करेले को डाल देंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि करेले कुरकुरे नहीं हो जाते हैं और गैस का फ्लेम हम हाई ही रखेंगे क्योंकि हमें करेले को क्रिस्पी बनाना है। तो इस तरह से उलटते पलटते हुए देख सकते हैं कि हमारे फ्राई हो रहे हैं, लेकिन अभी ये थोड़े से कच्चे हैं, इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पूरे एकदम कुरकुरे बनाना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि करेले हमारे अच्छे से कुरकुरे हो गए हैं और देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। तो सारे करेले को हम सावधानी से निकालेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे आ जाए कढ़ाई में। तो इस तरह से हम चम्मच से दबाते हुए करेले को एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ हमने सारे करेले को निकाल लिया है और जो बाकी के तेल है उसी में हम फोरन डालेंगे। आप चाहे तो पंचफोरन का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ जीरा पसंद है तो आप सिर्फ जीरा का ही फोरन लगा सकते हैं क्योंकि करेले थोड़े कड़वे होते हैं। हमने इसमें मिर्च का फोरन नहीं दिया है, सिर्फ हमने यहाँ पर 1 चम्मच साबुत जीरा डाला है। तो यहाँ जीरा हमारा लाल हो गया है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे और प्याज को हम सुनहरा होने तक भून लेंगे। तो करीब प्याज को हमने 1 मिनट तक भून लिया है और देख सकते हैं कि प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और साथ ही साथ इसमें अब हम सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे ताकि प्याज के साथ मसाले भी भून जाए। सूखे मसाले मैंने लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, इससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा। और साथ ही साथ इसमें हमने डाला है 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे हम काली मिर्च भूखा हुआ और 1/2 चम्मच डालेंगे हम भुना हुआ जीरा पाउडर। साथ ही साथ हम नमक भी डाल देंगे। तो नमक हमने यहाँ पर 1 चम्मच नमक हमने इसलिए ज्यादा डाला है क्योंकि हमें बीच में करेले भी डालना है। तो नमक और सारे मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है प्याज में और इसे हम भून लेंगे। प्याज और मसाले अच्छे से भून जाए उसके बाद इसमें हम करेले डालेंगे। बहुत ही जल्दी बहुत ही फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, 10 मिनट लगते हैं इसे बनाने में, ज्यादा समय नहीं लगते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि मसाले और प्याज हमारे अच्छे से भून चुके हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है मसाले का। और अब इसमें हम जो फ्राई किए करेले वो डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के, क्योंकि करेले पहले से फ्राई है और प्याज भी हमारे कुक हो गए हैं। प्याज और करेले को हम सिर्फ 2 मिनट तक ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि 2 मिनट हो चुके हैं और करेले प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो सबसे लास्ट में इसमें हम थोड़े से गर्म मसाला डाल देंगे। यहाँ पर 1 चम्मच हमने गर्म मसाला डाल दिया है और उसे भी हमने अच्छे से मिक्स और इसे अब हम 1/2 मिनट तक ही भूनेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 1/2 मिनट हो गए हैं, गैस को हमने ऑफ कर दिया है और अब इसे हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। यहाँ हमने सारे सब्जी को एक प्लेट में सर्व कर लिया है और देख सकते हैं कितने कलर
और कितने यम्मी और कितने डिलीशियस लग रहे। आप लोग भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दे, और जो मेरे चैनल में न्यू विजिट कर रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी न्यू रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी, तब तक के लिए बाय बाय।